बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए, दिस इज द स्पीड टेस्ट नंबर टू। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोगों को ले लेना है, यही हिस्ट्री डिस्कस होने जा रही है। ओके, इसको जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द हिस्ट्री जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं करी है, वीडियो के शुरू में हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डिस्कस होगी। ओके बेटा, देखिए इसका बैक वर्जन देखते हैं हम। दिस इज द, ये जूम करके आपको इसकी फोटो ले लेनी है। दिस इज द पार्ट, इसी को हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सभी लोग ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवेल फिजिक्स बाय वरुण सर। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं बेटा। जैसा कि हम लोगों ने आपको एक नई सीरीज चालू करी है स्पीड टेस्ट की, करके मैसेज को मैंने कन्वे किया था पिछले वीडियो में। मैंने एक इम्पोर्टेंट मैसेज कल दिया था कि हम आपको स्पीड टेस्ट जो है आपको अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर वो एसटी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड हो चुकी थी। बहुत से लोगों ने टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन किया, और जो लड़के अभी आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो वो अगर आप चाहते हैं आपको एसटी पीडीएफ बिल्कुल कन्वर्टेड अच्छे से, इंग्लिश मीडियम वाली और इंग्लिश वाली तो बिल्कुल कन्वर्टेड है, हिंदी वाली भी आपको उसमें हमने टेलीग्राम में अपलोड की है। सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को सर्च करें, वरुण सर फिजिक्स 91992 1992, वरुण सर फिजिक्स 992, इसको तुरंत से तुरंत आप लोग वरुण सर फिजिक्स 1992 इसमें आप टेलीग्राम लिंक में तुरंत जाइए और वहां से एसटी को डाउनलोड करिए, क्योंकि वन बाय वन क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं होगा सारे, तो इसलिए आगे वीडियो में ज्यादा समय बर्बाद ना हो, ये सब दिक्कतें ना हो, इसलिए क्या करना है हमको कि टेलीग्राम लिंक में हम एक जिस दिन एसटी का सोल्यूशन होगा उससे एक दिन पहले या 5 घंटे पहले 3 घंटे पहले हम एक मैसेज के थ्रू एसटी का करने मैसेज आएगा, और उससे वहां से आपको डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना है। फिर हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन लिखने ना पड़े, ऑप्शन लिखने ना पड़े, क्वेश्चन नंबर लिख करके हम सॉल्व करा दें। आज तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तो ऐसा हो सकता है कि हम सीधे सोल्यूशन ही, क्वेश्चन नंबर और उसका सोल्यूशन ही प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आपको वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात में विशेष। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सी के क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यहां पर एक इक्वेशन दी गई, वाई बराबर 0.001 साइन 100t प्लस एक्स, ये एक इक्वेशन दिया और कह रहा है एक्स और वाई मीटर में, टी सेकंड में है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में कह रहा है फ्रीक्वेंसी 100/π/hz, सेकंड इक्वेशन में कह रहा है वेवलेंथ 1 मीटर है, तरंग दैर्ध्य 1 मीटर है, तीसरे इक्वेशन में कह रहा है वेग 50/π/s, पॉजिटिव एक्सिस में है, मतलब वेलोसिटी धनात्मक एक्स में है और वेलोसिटी ऋणात्मक एक्स में है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, हम एक बात बता दें, इक्वेशन में अगर इक्वेशन में ये प्लस में आया, यहां पर प्लस है, तो वेलोसिटी हमेशा निगेटिव में होगी, निगेटिव एक्सिस में होगी। ओके बेटा, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स तो गलत हो गया, क्योंकि अगर ये प्लस में है, प्लस की इक्वेशन का मतलब वेलोसिटी माइनस एक्सिस में होगी, ये गलत। अब हमको ये कुछ पार्ट याद को सही मिला, तो हम इसी को चेक कर ले। बस ये तरीका है कि हम वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ वगैरह बाद में भी चेक कर सकते हो। अब हम यहां पर आए, वैसे तो हम ज्यादातर कंप्लेंट एक साथ कर लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। एक बात और बताते हैं, कुछ लड़के ये सोचते हैं कि ओमेगा टी पहले ही आता है, के एक्स बाद में आता है, ये गलत बात, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है टी के बगल में हमेशा ओमेगा होगा, एक्स के बगल में हमेशा के होगा, एक्स के अलावा जितना सब कुछ लिखा है वो सब के होगा, और टी के अलावा जितना सब कुछ लिखा है वो सब ओमेगा होगा। ओके बेटा, और एक बात कि हमको एक बात चीज और देखनी है कि ये अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो साइन और के बाद सीधे ब्रैकेट आ जाना चाहिए, साइन है या कॉस है इससे मतलब नहीं, कॉस है तो कॉस से कंपेयर होगा, साइन है तो साइन से कंपेयर होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे यहां पर साइन के बाद तुरंत ब्रैकेट आ गया, मतलब ये इसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब हमने कहा टी के अलावा सब कुछ ओमेगा है, तो टी के अलावा ये लिखा है 100, तो ओमेगा बराबर 100, एक्स के अलावा जो कुछ है वो सब के, तो एक्स के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ के बाद प्लस है, कोई गुणांक नहीं है, तो के बराबर 1, अगर हम कंपेयर करें तो के बराबर 1 आ गया। अब अगर आपको वेलोसिटी ही चेक करना है तो एक फॉर्मूला याद रहिए, वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, बस आप अप्लाई कर दीजिए ओमेगा अपॉन के, ओमेगा आया 100, के आया 1,
आया 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू भी सही है 100 मीटर पर सेकेंड। और माइनस एक्स एक्सिस, माइनस कैसे पता चला, क्योंकि प्लस की इक्वेशन है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब एक आ गया तो बाकी अपने आप गलत हो जाएंगे। ओके, और जिनको लग रहा है कि हम बाकी कैसे कंपेयर करें, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ जाए कभी, तो ओमेगा बराबर आप जानते ही हो 2f पाई होता है, वहां से कंपेयर करते हैं, आंसर आ जाता है ओमेगा 100 है, 2f पाई करते हैं, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता। के बराबर 2π/λ होता है, इसको भी नोट कर लेना, अगर लैम्डा निकालना हो तो के बराबर 2π/λ से लैम्डा आता, तो लैम्डा भी गलत। चौथा ऑप्शन सही है, ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, तो फर्स्ट का 4 नंबर सही होगा। अब आते हैं एसटी के दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर एसटी का क्वेश्चन नंबर दूसरा यह था कि दो इंटरफेरेंस वेव दी गई है, y1 बराबर ये है और सेकंड वेव, सेकंड जो दी गई ये दो इंटरफेरेंस वेव दी गई है और कह रहा है इनके व्यतिकरण के फलस्वरूप, इंटरफेरेंस के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट वेव है उसकी मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो क्या हो। कभी भी आई मैक्स और मिनिमम की बात आ जाए जब y1 वगैरह होता है, तो बेटा एक बार ध्यान देना, आई मैक्स बराबर होता है a1 + a2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम होता है a1 - a2 का होल स्क्वायर। अब a1 a2 कैसे पता करोगे, अभी मैंने आपको समझाया था, किसी भी वेव को अगर कंपेयर किया जाए तो a sin ωt + -kx से कंपेयर होता है। तो बेटा यहां शुरू में जो भी लिखा होता है वो a होता है, अगर पहले वाले कंपेयर करोगे तो a1 = 5 आ जाएगा, दूसरे वाले को कंपेयर करोगे a2 = 10 आ जाएगा। जब a1 + a2 रखोगे यहां पर तो आएगा कितना, 10 - 15 का होल स्क्वायर, और यहां a2 के रख दोगे a1 - तो -5 का होल स्क्वायर। जब इनका रेशियो डिवाइड करोगे, जब i max / i min करोगे, i max / i min, तो 15 का स्क्वायर 225 और 5 स्क्वायर 25, 25 नहीं है 225, 9 आंसर, ये इसका दूसरे का आंसर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था आई मैक्स और मिनिमम का रेशियो। ओके, ठीक है बेटा, हमारी एसटी का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, उसके ईच वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है, बी और सी पर जो क्यू आवेश है, बी और सी का जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से ए पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ और एफ है, मतलब दोनों ने एफ और एफ बल लगाया, ए पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो देखो, बी पर जो फोर्स लग रहा है और सी पर, तो एक बात तुम सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात मैं समझा दू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एफ ई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन याद कर लो सभी लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा प्लस से दूर होती है, अगर प्लस की वजह से लगा है तो प्लस से दूर होगी, और माइनस की वजह से तो प्लस से दूर और माइनस क्यू की ओर, अगर माइनस की वजह से है तो माइनस वाले की तरफ आता है। अब इस बात को ध्यान रखना, पहले मैं फिगर बना रहा, प्लस बी, बी पे जो प्लस क्यू उसकी वजह से जो बल लगा, मतलब बी के द्वारा जो बल लगा है वो किधर जाएगा, बी की ओर आएगा कि बी से दूर जाएगा, तो बी पे रखा प्लस है, जिस पर लग रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं, एक बार ध्यान रखिएगा, बल जो है जहां पे लग रहा उससे मतलब नहीं, जिसके द्वारा लग रहा बाई का जिसकी वजह से होता उसका साइन देखते हैं। यहां पर हमें बी के द्वारा ए पर लगाना है, बी द्वारा ए पर, इसको बोलते हैं बी द्वारा ए पर, बाई द बी ऑन द ए, तो बी पर प्लस है तो बी से दूर आएगा, तो ये हो गया बी से दूर, एफ बी हो गया। इसी तरीके सी की वजह से, सी पे प्लस रखा है तो सी की वजह से ए पे लगा है तो सी से दूर जाएगा, ये हो गया सी वाला, एफ सी हो गया। ओके बेटा, ये आपको दोनों बल दिख गए, तो ये दोनों बल एफ और एफ है, एफ और एफ दोनों जगह एफ और एफ बल लग रहा हुआ, ये भी एफ बल लग रहा है, ये भी एफ बल लग रहा है, लग गया बल। अब हमें क्या देखना, ये संभाव थी मुझे 60 होगा तो यहां पर भी 60 होगा, इसको हम थोड़ा अलग बना के दिखा दे रहे हैं, ये ए पॉइंट हो गया, यहां पर एक बल हुआ एफ सी और इसी के थ्रू एक बी के द्वारा लगा हुआ एफ बी, ये हो गया 60 डिग्री, ये भी एफ है, ये भी एफ है। वेक्टर में हमने एक क्वेश्चन कराया था, वेक्टर के वीडियो में टॉप 20 कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन कराया था आपको, वेक्टर के रिजल्टेंट का कराया था क्वेश्चन, वीडियो जाके देखिएगा, वहां मैंने बताया था कि यहां पर दोनों बल एक दूसरे दूर जा रहे हैं, थीटा हो गया, अब यहां पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये जो लगता है यहां लगा लेना आप, आंसर आ जाएगा p² + q² + 2pq cos θ, या तो ये लगा लो, या फिर एक आंसर था कि अगर दोनों एफ एफ हो सीधे आंसर, अगर दोनों बल एफ और एफ हो तो सीधे 2f cos θ/2 आंसर था, वो भी लगा सकते हो, तो 2ff cos 60 मतलब cos 30 बचा, cos 30 का √3/2 होता है, √3/2 करने से 2 कट जाएगा, इसका आंसर हो गया f√3, ठीक कर लो f√3 मतलब √3 एफ आंसर, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ओके,
टी बेटा क्वेश्चन नंबर फोर है, स्पीड टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा। हमको ये बार बार लिखना पड़ रहा है, आगे तो मैं लिखूंगा नहीं, टेलीग्राम पे जब स्पीड टेस्ट अपलोड होगा तो चेक कर लीजिएगा, या फिर जो इम्पोर्टेंट मैसेज और वीडियो आएगा उसी पे मैं वीडियो बनाकर एसटी का दे दूंगा, उस वहां से स्क्रीन शॉट लेकर के आप एसटी को सेव कर सकते हैं, ओके। जिससे कि हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करें, टाइम ना लगे। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट से मैं सीधे सोल्यूशन बताऊंगा। जब इसी प्लेट पर वेन ऑन द प्लेट अ लाइट इंसिडेंट ऑन 60 डिग्री, मतलब इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है, फिर कह रहा है ये ध्यान देना तो परावर्तित किरणें, यहाँ पे किरणें लिखा हुआ है एक्चुअली, ये इस वर्ड से आपको एक बात मैं समझा दूं, इसका मतलब हुआ अपवर्तित और परावर्तित, अपवर्तित और परावर्तित दोनों होना चाहिए किरणें, किरणों मतलब दो हो गए, दो तरीके की, मतलब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बोथ, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बोथ परपेंडिकुलर, बोथ परपेंडिकुलर, अगर ये वर्ड कभी आ जाए कि किरणें लंबवत प्राप्त हुई दोनों, तो ये इसका मतलब ही होता है ध्रुवण, क्या होता है पोलराइजेशन होता है बेटा, ध्यान देना। जब ये कभी भी आ जाए कि ये दोनों लंबवत प्राप्त हुई इस तरीके से कि कोई हमको 60 डिग्री इंसिडेंस पे हुआ, फिर हमको रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों पे 90 बन गया, ये हमेशा पोलराइजेशन की कंडीशन होती है, वो यहां से पहचान लेते हैं। पोलराइजेशन पहचानने का तरीका ये, या तो कहीं पोलराइजेशन वर्ड आ जाएगा, या ये आ जाएगा कि दोनों किरणें परस्पर लंबवत प्राप्त होती है, परावर्तित अपवर्तित दोनों, यहाँ वर्ड एक मिसिंग है अपवर्तित का, लेकिन यहां से आपको अंडरस्टूड रखना है कि आप चीजें समझ जाए। अब जैसे धुआं आ जाए तो बस फिर म्यू बराबर 10 IP लगा देना होता है, आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर है 1060, 1060 का मान √3, √3 का मान 1.732, इसका आंसर होगा सी नंबर। बेटा ध्यान दीजिए, जब हम कह रहे हैं कि 60 डिग्री पे परावर्तित किरणें लंबवत, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड बोथ परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये हो गए रिफ्लेक्टेड, ये हो गए रिफ्लेक्टेड, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कंडीशन का मतलब ये होता है ध्रुवण, पोलराइजेशन की कंडीशन है, ओके। पोलराइजेशन की कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम लगा दिया, ब्रूस्टर का नियम होता है, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम है, म्यू बराबर 10 IP, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये इसका सोल्यूशन रहा है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू प्लेन मिरर है, ये टू प्लेन मिरर 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, टू प्लेन मिरर 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, इनके बीच में एक वैद्युत बल्ब है, उसके प्रतिबिंबों की संख्या बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ 60 दिया है, नंबर ऑफ इमेज की कंडीशन होती है, नंबर ऑफ इमेज की कंडीशन होती है कि पहले हमको 360 बटे थीटा करना होता है, नंबर ऑफ इमेज के लिए 360 बटे थीटा करना होता है, अगर वो इवन आता है, इवन आता है तो -1 कर देते हैं, एक घटा देते हैं, इवन में एक घटा देते हैं, इवन आने पे ऑड आने पे वही आंसर होता है। लेकिन अगर इसी पे एक पॉइंट और है कि अगर बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखी हुई है, मध्य में मिड पॉइंट पे रखी है, या सिमेट्रिकली रखी हुई है, या बाइसेक्टर पे रखी है, ये कुछ पॉइंट होते हैं, तो आंसर चाहे इवन हो चाहे ऑड, चाहे इवन हो चाहे ऑड, यही आंसर होता है। अब हम पढ़ते हैं, दो समांतर दर्पण 60 डिग्री पे झुके हैं, उनके बीच, बीच वर्ड का मतलब मध्य नहीं होता है, कुछ लोग बीच का मतलब ये जानते हैं कि मध्य में रखी, मिड अलग होता है और बिटवीन अलग होता है, बिटवीन कुछ भी हो सकता है, मतलब दो दीवार के अंदर हो तो बिटवीन हो, लेकिन मिड होता है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आने का, तो ये मिड पॉइंट नहीं कह रहा। अब हमें कहना है प्रतिबिंब, तो ये मिड पॉइंट वाले केस नहीं है। अब हम पहले 360 बटे थीटा करते हैं, 360 बटे 60 क्या, तो आंसर आया 6, इवन है, ये इवन है तो इससे -1 करना पड़ेगा, 6 - 1 आंसर आया 5। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने ना पढ़ाओ इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, पहले 360 बटे थीटा करते हैं, अगर इवन आ रहा है तो 1 घटा देते हैं, ऑड आ रहा है तो वही नहीं। लेकिन अगर पूरे पहले ये जरूर चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समद्विभाजक पर रखी है, समद्विभाजक मतलब कोण के समद्विभाजक, मतलब बिल्कुल ऐसा बुक कट करता हुआ आ रहा हो, ये इसको ऊपर आ रही हूं, तो ऐसे में ये चाहे इवन हो चाहे और -1 करना ही होगा, या कहते हैं सममित रूप से, सममित माने सिमेट्रिकल, कि जब कट हो तो बिल्कुल बराबर बटे तो भी यही होगा, और या मिड पॉइंट मध्य बोलते तो भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर सिंपल बोला गया कि बस बीच में है, कहीं पर भी हो सकती, यहां भी अंदर कहीं भी, तो फिर इवन और चेक करके आंसर लगा, यहाँ पे नॉर्मल केस था 360 बटे थीटा 6 आंसर 6 या 5 आंसर, ओके। अब इसका आंसर हो गया बी नंबर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण के सामने प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर है उसके सामने 3 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, 3 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके।
और कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो खींचना, तो प्रतिबिंब इसका अगर 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट होगी तो 3 मीटर पे इसका बिंब भी बनेगा। ओके, 3 मीटर पे इसका बिंब भी बनेगा। अब क्या है कि 3 मीटर पे इसका बिंब बनना है। ओके, ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक रूल होता है कि जितनी यू होती उतना ही वी होता है प्लेन मिरर के लिए, जितने पे ऑब्जेक्ट उतने पे मिरर। अब कह रहा है इसके हमको इमेज की फोटो खींचनी है। दर्पण से 4.5, ये हो गया 4.5 पे एक कैमरा है, मान लीजिए एक कैमरा रखा है, कैमरा कह रहा है ये 4.5 मीटर पे, तो बिंब की फोटो खींचना वांछित है, चाहता है कि फोटो खींचना इसकी। तो दर्पण से 4.5 कैमरे को कितनी दूरी पे फोकस करना होगा, कहां पे फोकस करे, फोकस करे कि इमेज आ जाए। तो बेटा एक बार बताए, ये वर्चुअल इमेज लग रहा है कि 3 मीटर अंदर है, लेकिन अगर कस की ईंटा मार दो तो सीसा टूट जाएगा, प्रतिबिंब चला जाएगा। मतलब कि ये है यहां पे, दिख यहां रहा है, दर्पण के ऊपरी तो दिख रहा होगा एक्चुअल में, दर्पण टूट गया प्रतिबिंब चला गया। तो क्या करेगा ये कैमरा, केवल इतना ही फोकस करेगा ये कैमरा, केवल दर्पण तक आप फोकस कर लीजिए, इमेज की फोटो आ जाए। आई बस समझ, आपको ये नहीं करना होता। कुछ लोग यहां पे लड़के कंफ्यूज क्या होते हैं, 3 और 3 6 और 6 के बाद उनको ये दिख रहा है कि 1.5 ही होगा, तो 7.5 टिक करते तो गलत। केवल उसको ये देखना कि कैमरे को सीधे अपना 4.5 मीटर पे फोकस करे, इस दर्पण पे फोकस कर ले, दर्पण पे इमेज दिख रही होगी, तो 4.5 मीटर पे फोकस करने से प्रतिबिंब का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4.5 मीटर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पदार्थ एक ऑब्जेक्ट है वायु में उत्तल लेंस, मतलब जो एयर में वो कॉन्वेक्स लेंस है, बेटा समझिएगा कॉन्वेक्स लेंस है, तथा बाढ़ जैसे वो वाटर में गया कॉनकेव हो गया। ओके बेटा, कॉन्वेक्स से बन गया कॉनकेव, तो जो लेंस था वो एयर में अपना नेचुरल था, लेकिन वाटर में जाने पर वो चेंज हो गया। तो चेंज होने की कंडीशन मैंने आपको अभी अभी मैंने लेंस बढ़ाया था, जिनको इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना और डिटेल में मेरा एक वीडियो अभी है, आप पीछे जाएंगे और लेंस लेंस करके एक वीडियो पड़ा हुआ है उस पर आप देखोगे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। ओके, तो जब लेंस वाले वीडियो को आप देखेंगे, लेंस वाले वीडियो को और उसी के साथ में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो, उसके शुरुआत में ये है, इसके रीजन है कि कैसे ये नेचर चेंज होती है। ओके, उन दोनों वीडियो को देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिसको ये डिटेल में समझना हो। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो चेंज हो गया, उत्तल हो गया, तो चेंज तब होता है जब कंडीशन होती है कि लेंस की कम हो जाए और अपने से ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव में जाए। तो एयर का तो वन होता है, इससे ज्यादा होगा ये और ये अपने से ज्यादा में गिरा है। जो पदार्थ है लेंस, जिस पदार्थ का बना है वो एयर से तो ज्यादा है लेकिन वाटर से कम है, वाटर है 1.3, क्योंकि लेंस अपने से ज्यादा में गया तभी तो चेंज हुआ है। तो लेंस जिस भी पदार्थ का बना होगा वो एयर से तो ज्यादा है लेकिन वाटर से कम है, क्योंकि वाटर से कम इसलिए है क्योंकि अपने से ज्यादा में गया है। तो यहां वाटर जो है लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है और एयर से ज्यादा है लेंस, क्योंकि अपनी नेचुरल कंडीशन तो उसी में। तो ये जो कह रहा है कि एक पदार्थ है तो पदार्थ का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक, मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक एयर से ज्यादा होगा वाटर से कम होगा, कौन सा ऑप्शन है, एयर से ज्यादा और वाटर से कम, सी नंबर आंसर, कि जो लेंस है वो एयर से ज्यादा है लेकिन वाटर से कम है, क्योंकि अपने से ज्यादा जाने पे नेचर चेंज होती है, ये अपने से ज्यादा में जा रहा है इसलिए नेचर चेंज हो गई, वाटर में जाने पे इसकी नेचर चेंज हो रही है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर से कम है और एयर से ज्यादा ही होता है, क्योंकि एयर से कम हो नहीं सकता, एयर सबसे कम ही माना गया, 1 माना गया। ओके, तो कोई भी आप किसी भी मटेरियल का बना लोगे एयर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा ही होगा। ठीक, तो एयर से ज्यादा और वाटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी लेंस का वर्णमिथन, वर्णमिथन मतलब होता है कलर एब्रिएशन, कलर एब्रिएशन जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है। तो हम आपको बताएं, आपने पढ़ा होगा FR-FV, ये पढ़ा होगा FR-FV बराबर ωFY पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपने ओमेगा पढ़ा होगा बेटा, FR-FV / FY पढ़ा है। अरे तो ये तो यही लिखा होगा ना, अब ऊपर जरूर इस फॉर्मुले को याद है, इस फॉर्मुले से याद है तो यहां पहुंचे, ये पहुंचे तो फिर हमने ये पहुंचे FR-FV प्रोपोर्शनल टू FY, क्योंकि ये कांस्टेंट होती किसी भी, क्योंकि ये डिपेंड करती नेचर, जैसे जो भी नेचर प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करती है कि किस लेंस की कौन सी और विक्षेपण क्षमता होगी।
ओके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफआई आ गया, इसको बोलते हैं वर्णवित्थन। वर्णवित्थन ये होती है एवरेज फोकल लेंथ, किसी लेंस की एवरेज फोकल लेंथ माने उसकी फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ के सीधे समानुपाती होती बी नंबर, इसका आंसर हो गया। ओके तो यहां इस फॉर्मुले को याद करोगे, यहां यही से फॉर्मुला बना है। प्रूवमेंट जब डेरिवेशन देखते हैं फॉर्मुले से उल्टा चलो, ओमेगा एफ वाई, ओमेगा को कॉन्स्टेंट कर दिया गया, एफ वाई के सीधे समान। ओके ये इसका आंसर। देखिए बेटा अपवर्तन कोण ए, अपवर्तन कोण होता है एंगल आर, ये ए के बराबर है। अपवर्तन कोण ए के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर कॉट ए बाई टू है, म्यू बराबर कॉट ए बाई टू इफेक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डे वाला बोलते एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रिज्म में ये कॉन्सेप्ट, प्रिज्म में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेवर एम बराबर सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेवर एम बाय टू बटे साइन ए बाय टू, ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू बराबर कॉट ए बाय टू है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जगह कॉट ए बाय टू रख लिया आपने। अब हमको इसको सॉल्व करना है, साइन ए प्लस डेवर एम बाय टू बटे साइन ए बाई टू। अब इसको अगर कॉट ए बाई टू है बेटा, देखिएगा कॉट ए बाई टू को अगर हम चेंज कर दें कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू, यहीं पर हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू लिख दें कॉट ए बाई टू को, तो साइन ए बाई टू कैंसिल हो, ये कॉस है तो अगर इसको चेंज करोगे साइन में तो साइन 90 माइनस ए बाई टू। इसको आपने कंपेयर किया साइन ए प्लस डेवर एम बाई टू से, साइन साइन हट गया 90 माइनस ए बाई टू है, ए प्लस डेवर एम बाई टू है, अगर इसका पूरा ये कर दिया जाए तो 180 माइनस ए बाई अपॉन टू ए प्लस डेवर एम बाई टू, टू से टू कैंसिल, ए इधर आएगा तो 180 माइनस टू ए हो जाएगा, फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। यहां से डेवर एम बराबर 180 माइनस टू ए, ए को इधर लाओगे 180 माइनस टू ए हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इस तरीके से इसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक झरना है जो फॉल होता है उसकी हाइट 84 मीटर, यहां से झरने से गिर रही है, इसकी हाइट 84 मीटर है एच वाला, झरने के गिरते जल की गति जुड़ जाएगी, जब ये टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, मतलब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी का वन पार्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा। अब देखना सपोज दैट जैसे अगर हीट, यहां आप गलत क्या करोगे देखिएगा, ये कुछ लोग समझ गए काइनेटिक एनर्जी का हाफ पार्ट हीट एनर्जी, अलग याद है काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर का वन बाई टू, अब हीट एनर्जी तो हीट एनर्जी एम एस डेल्टा टी में कन्वर्ट, बेटा यही गलती, काइनेटिक एनर्जी आप हाफ एम वी स्क्वायर लगाओगे ना बेटा गलत। अब आप कहोगे क्यों गलत बेटा, यहां ये वेलोसिटी नहीं, यहां जब हम कह रहे हैं जब ये ऊंचाई के रूप में है, तो बेटा एक बात हम आपको बता दें जो हम बताएंगे कोई नहीं बताएगा, काइनेटिक एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ऊर्जा का कोई फिक्स फॉर्मूला ही नहीं होता है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप एक इस वाले से कैलकुलेट करके उसमें अप्लाई कर दो, फॉर्मूला कोई नहीं होता एनर्जी का, वो कहने की बात होती केवल। ओके तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हाइट के रूप में फॉर्मूला कभी लगाना हो तो एमजी लगा दो, और वेलोसिटी के रूप में लगाना हो तो हाफ एमवी स्क्वायर। हाँ थोड़ा सा अगर जानकारी होनी चाहिए, आप जब एमजीएस लगाए तो एच को ऊपर से नीचे रखेंगे तभी वो काइनेटिक एनर्जी माना जाएगा, नीचे से ऊपर वाली एच रख दी तो वो पोटेंशियल माना जाएगा, बस ये अंतर। काइनेटिक एनर्जी में जब एमजीएस रखता है तो एच को ऊपर से नीचे कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऊपर से नीचे कैलकुलेट कर लो तो पूरा 84 दिया, तो हाफ एमवी स्क्वायर लगाकर यहां लगाओ एमजी एच का 1 बाय 2 और एमएस डेल्टा टी। ओके अब यहां एम कहीं नहीं, एम कटेगा, लेकिन कटेगा कैसे, सब कुछ जब एसआई यूनिट में होगी तब कटेगा, तो एसआई यूनिट में वाटर की आपको स्पेसिफिक हीट रखना है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो यहां डेल्टा टी तुम चाहे सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में, क्योंकि मैंने ये आपको हीट वाला हमारा हीट का वीडियो देखिएगा वहां मैंने कहा था डेल्टा टी तुम्हारा चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में इक्वल होता है, तो यहां तुम सेल्सियस में रख सकते हो केल्विन में रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हो गया डेल्टा टी। अब एम जी का मान 10, एच 84, 1 बाई 2,
एम से एम कैंसिल हो गया, तो इसका वैसा ही यूनिट है। अब इससे इसको काटा तो ये 42 आ गया, मतलब 420, 42 से 42 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहां बचा 10, ये इसके अपॉन में आया 1/10 हो गया। डेल्टा टी बराबर 0.1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सोल्यूशन का आंसर आया। ओके, तो इसका आंसर होगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। जो हम एक्स्ट्रा चीजें बताए वो एक जगह जरूर नोट करिएगा। यहाँ दो चीजें एक्स्ट्रा जाने हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आर एमजी स्क्वायर में लगा के एमजीएच लगाए और एच को हमेशा ऊपर से नीचे रखेंगे तो हमें काइनेटिक मिलेगी। और एक चीज लगा डेल्टा टी के वैल्यू में चाहे हम सेल्सियस लें चाहे केल्विन, तो अगर हम सेल्सियस यहाँ पे हम केल्विन भी कर देते तो हमारा आंसर केल्विन में आता, लेकिन डेल्टा टी का मान चाहे केल्विन में चाहे सेल्सियस वो सेम होता तो आप सेल्सियस में टिक कर सकते थे। ओके, तो दो चीज एक्स्ट्रा है वो भी ध्यान रखेंगे, ये सब साइड में नोट करके चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक कार्नोट इंजन से रिलेटेड है, कार्नो इंजन वर्क्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। कार्नो इंजन की बात है और 300 केल्विन और 600 केल्विन के बीच वर्क कर रहा है, ये दो टेम्परेचर है। अब आप जानते हो कार्नो इंजन में T1 और T2 होते हैं, लेकिन कौन T1 कौन T2 होगा? याद रखिएगा T1 होता है सोर्स और T2 होता है सिंक। हम आपको समझा दे रहे हैं, इसको नोट करते चलें क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा नहीं बताएंगे, आगे कभी भी क्वेश्चन आया तो आप कर लें। सोर्स वाला वो माना जाता है जो हाई होता है, T1 T2 ये नहीं कि जो पहला है वो T1 ले लो जो दूसरा है वो T2 ले लो, ऐसा कभी नहीं करते इसको। इसमें जो हाई है वो सोर्स होता है, जो लो होता है वो सिंक होता है। अब हाई कौन सा है? ये 600, तो ये T1 होगा। और एक बात, अगर ये सेल्सियस में होता तो स्मॉल T1 होता, उसको 273 जोड़ते केल्विन में कन्वर्ट करते, लेकिन ये सीधे केल्विन है तो T1 और ये छोटा वाला T2। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला था 1 - T2/T1। ओके बेटा, यहां से हमने सॉल्व किया तो 1 - 300/600 इसका आंसर आया 1/2, नीटा बराबर 1/2। फिर एक फॉर्मूला और होता है इफिशियंसी का, एक फॉर्मूला वर्क के सेंस में होता है, वर्क बटे गिवन हीट टू द सोर्स, सोर्स को दी गई ऊष्मा। ये ध्यान रखें, यहां W होता है वर्क और Q1 होता है हीट गिवन टू सोर्स, टू सोर्स, सोर्स को दी गई ऊष्मा के लिए Q1 होता है। वैल्यू पुट अप करो, W आपको दे रहा है कि एक चक्कर में 800 जूल कार्य करता है, 800 जूल यहां दे रहा है, Q1 आपसे पूछी जा रही है, इंटू 100 यहां ना करना क्योंकि इंटू 100 करना मतलब परसेंटेज, तो इंटू 100 यहां करोगे तो यहां भी इंटू 100 परसेंटेज, यहां पे 1/2 ये परसेंटेज में नहीं है तो केवल इतना रखो, हो गया 1/2। Q1 सॉल्व करोगे 1600 आ जाएगा आपका, 1600 जूल आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मोल आदर्श गैस के लिए 1 मोल आइडियल गैस के लिए PV/T का मान क्या होगा? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, यहाँ n क्या आया था? नंबर ऑफ मोल, और यहां नंबर ऑफ मोल कितना दे रहा है? 1 मोल, तो n का मान 1 हो गया, तो PV बराबर RT। अब PV/T का मान R और ये होता है गैस कॉन्स्टेंट। इसकी बेटा ध्यान रखना दो वैल्यू आपको याद करनी, क्या याद करनी? एक होती है 2 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। अब आप क्या करोगे, अगर आपने केवल वैल्यू याद करी तो गलत कर दोगे, क्योंकि इसके साथ ये याद करना इंपॉर्टेंट है, 2 कैलोरी पूरा नहीं याद करूंगा इसे, 2 कैलोरी, और अगर 8 वाला याद करना चाहते हो तो 8.36 या 8.4 जूल याद रखो, जूल में लोगे तो 8 समथिंग करके आएगा, कैलोरी में लोगे तो, इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही? अगर 8 देखा आपने 8.4 तो इसके साथ जूल नहीं है इसलिए ये गलत, कभी कभी लोग 8 देखते टिक कर देते गलत। अब 2 देखा, 2 के साथ क्या कैलोरी है? हाँ है, इसका आंसर होगा तीसरा। ओके, ये ऑप्शन जल्दी भी लोग 8 वाला गलत कर देते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना, मिसमैच कर देता। बेटा अगला क्वेश्चन है, एक गोली अब बुलेट है वो किसी टारगेट से हिट करती है, जैसे टारगेट हो गया तो बुलेट आकर के इसे हिट कर रही है और जैसे हिट करती है तो यहां रुक जाती है, रुक जाती है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, जिससे कि जैसे जब वो रुकेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है क्यू डिग्री सेल्सियस, मतलब बढ़ता है, ये नहीं कि बढ़ना, बढ़ना माने डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी क्यू डिग्री सेल्सियस। जब ये पूरी गतिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है, मतलब 100% कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी जब 100% कन्वर्ट हो गई तब क्यू बढ़ा है। यदि गोली का वेग दुगना कर दिया जाए, अभी ये V से चल रही थी तो क्यू डिग्री से बढ़ा, लेकिन यही जब 2V से चलने लगेगी तो कितना बढ़ेगा ये पूछा गया। तो देखो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की बात है तो आपका फॉर्मूला होगा 1/2 mv² और पूरा 100% जाके ताप बढ़ा रही, बना MS डेल्टा T बढ़ा रही,
अब देखो जब कभी होगी इसकी वजह से ये हो रहा है तो ये देखो कौन चीजें बदल सकती है, कभी बुलेट का मास बदलेगा नहीं, यहां से भी नहीं बदलेगा, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी एस भी, अगर वो प्लेटिनम है तो बदल नहीं सकती, सीसा है तो बदल नहीं सकती, एस बदल नहीं सकता। तो यहां से करके तुम्हारा रिलेशन निकल गया वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये निकल गया गया। तो डेल्टा टी वी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वी के स्क्वायर पर। तो यहां तुमने क्या किया, वी को दुगना, तो एक बात समझिए दुगना किया तो आप डेल्टा टी क्या होगा, दो गुने का स्क्वायर करो, जरा दो गुने का स्क्वायर का आंसर कितना आया, चार गुना आया। मतलब अब डेल्टा टी पहले जितना था, अगर वेलोसिटी दो गुनी हुई है तो डेल्टा टी जितना था उसका फोर टाइम्स हो जाएगा। तो पहले अगर क्यू बढ़ा था तो अब कितना, चार गुना मानिए कितना बढ़ गया, फोर क्यू, ये इसका आंसर हो गया, चार गुना बढ़ने का मतलब फोर क्यू है। ओके बेटा, ये हमने क्वेश्चन को समझाया है, वीडियो को स्लो करके पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, एसटी वाई एसटी का 25-25 क्वेश्चन ये नोट करते रहेंगे ना, पेपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे से समझिए जो मैंने बताया है और उसको नोट करिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी जल्दी लग रहे हैं बड़े क्वेश्चन, लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, बस आपको तरीका हमारे अकॉर्डिंग होता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे डिपेंड अपॉन, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे डिपेंड अपॉन, एक्स रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कैसे डिपेंड करती है। तो एक्स रे की जो भेदन क्षमता है, बेटा भेदन क्षमता मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पे डिपेंड होना, आवृत्ति या ऊर्जा पर, और ये डिपेंड करती है जितना ज्यादा आप धारा प्रोवाइड करोगे फिलामेंट पे, फिलामेंट धारा पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करती है फिलामेंट धारा पे डिपेंड करेगी, फिलामेंट में जितनी आप धारा बढ़ाओगे फिलामेंट धारा पे डिपेंड करेगी, फिलामेंट करंट पर डिपेंड करती है, ध्यान दीजिए। फिलामेंट करंट बढ़ाओगे, फिलामेंट करंट बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा पहुंचेंगे तो ज्यादा ज्यादा एक्सरे निकलेगी। ओके, तो ये डिपेंड करता है फिलामेंट करंट पर, ऑप्शन होगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड द वेलोसिटी, यहां पे आपसे कह रहा फाइंड वेलोसिटी, किस वेलोसिटी पर किसी कण का द्रव्यमान मास ऑफ पार्टिकल अपने विराम द्रव्यमान का रेस्ट मास का, रेस्ट मास का टू टाइम्स, रेस्ट मास होता है मास, रेस्ट मास का टू टाइम्स हो जाएगा, किस वेलोसिटी पे ये कंडीशन आएगी। अब हम आते हैं रेस्ट मास का टू टाइम्स वेलोसिटी एम जो होगा रेस्ट मास का टू टाइम्स हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन की बात होती है, जो m होता है ना, m जो मूवमेंट वाला मास होता है वो होता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर की फॉर्म, m की वैल्यू 2 m नॉट रखनी है, m नॉट अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, m नॉट से m नॉट कैंसिल। अब इसको इधर ले आओ, अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर बराबर 1 बाई 2, स्क्वायर करोगे इधर 1 बाई 4 हो जाएगा, 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 4 बराबर b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, 3 बाई 4 बराबर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमने रूट ले लिया तो वी बाई सी बराबर अंडर रूट 3 बाई 2, वी बराबर हो गया अंडर रूट 3 बाई 2 सी, कौन सा ऑप्शन सही है, अंडर रूट 3 बाई 2 सी सेकंड नंबर, ये इसका सॉल्यूशन था बेटा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्लस ए और बी में समान विभव पर है, ए एंड बी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब समान विभव, वी ए बराबर वी बी है। आपसे कह रहा है कण को क्यू पार्टिकल को ए से बी तक ले जाना है, ए टू बी ले जा रहे हैं हम किसी क्यू पार्टिकल को, तो एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी, डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा वी होता है, जिस पार्टिकल को ले जा रहे हैं उसका आवेश और जहां से जहां तक ले जा रहे हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा, इसका आंसर हो गया जीरो, शून्य। समान विभव पे होने की वजह से वर्डन हमेशा जीरो, सम विभव प्रश्न पर किया जाता है शून्य होता है, समान पोटेंशियल भी ले जाने का वर्डन जीरो हो गया। ओके, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था, नोट करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल ए है और बी है, ए पर चार्ज क्यू है और इस पर चार्ज है 10^4, एक अन्य पार्टिकल बी में 4q, दोनों सेम मास के, मास ऑफ ए बराबर मास ऑफ बी है, समान विभवांतर पोटेंशियल भी सेम है, वी ए बराबर वी बी है, पोटेंशियल भी सेम है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला अगर वेलोसिटी वाइज देखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है,
तो यही चीज अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से लेते हैं, क्यूवी का फॉर्मूला लेते हैं, तो क्यूवी वोल्ट, तो हम इसके अकॉर्डिंग दोनों को रेशियो बनाते हैं, ए और बी की काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम ए वी ए स्क्वायर बटे हाफ एम बी वी बी स्क्वायर, और इसी का हम पार्टिकल बना देते हैं क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू ए वी ए बटे क्यू ऑफ बी बटे वी ऑफ बी। पोटेंशियल दोनों के सेम कह रहा, विभवांतर सेम, विभवांतर वी से वी कट गया, यहां मास सेम कह रहा, मास से मास कट गया, वन बाई टू से वन बाई टू कट गया, वी ए बटे वी बी स्क्वायर बराबर क्यू ए बटे क्यू बी, तो वेलोसिटी वी ए बटे वी बी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो गया क्यू ए का क्यू क्यू है, बी के लिए फोर क्यू था, क्यू से क्यू कट गया वन बाई फोर आया, इसके जब हमने रूट लिया तो आपका आंसर आया वी ए बटे वी बी बराबर एक अनुपात दो, आंसर होगा सेकेंड नंबर एक अनुपात दो, इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। बेटा एक बात ध्यान दीजिए, सारे इंग्लिश मीडियम बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, उसमें स्पीड टेस्ट टू कन्वर्टर पीडीएफ करके लिखा हुआ है, ओके। तो टेलीग्राम चैनल में आपको सर्च करना है फिजिक्स वरुण सर फिजिक्स 1992, वरुण सर फिजिक्स 1992 करके आपको सर्च करना है टेलीग्राम में, वरुण सर फिजिक्स बार बार बोल रहा हूँ, वरुण सर फिजिक्स 1992 करके सर्च करिए टेलीग्राम में और ज्वाइन करिए, वहां से एसटी को डाउनलोड करिए, बिल्कुल कन्वर्टेड बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड आपकी टाइप्ड एसटी है, वहां से उसको आप डाउनलोड करिए तुरंत वहां से, और इसको उस तरीके से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने है, ओके बेटा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, वहां पर बिल्कुल क्लियरली है, हिंदी में किसी किसी को फोटो से नहीं क्लियर हुआ था, इसलिए क्वेश्चन भी हम लिख रहे हैं साथ में, ओके, तो इसको नोट जरूर कर लेंगे। डेविड अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाइव बराबर बी ए होता है, ओके, अब फाइव बराबर बी होता है, बी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इंटू ये है एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो कट गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा यहां से वेबर आ गया, ये ऐसा यूनिट है, इसका आंसर हो गया वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा जो होगा वो वेबर होगा, ओके, बहुत सिंपल तरीका है इसको निकालने का, सोल्यूशन आपका वेबर आया और इम्पोर्टेंट है, याद जरूर करिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 19 में दी गई आकृति था बेटा, दी गई आकृति में हुआ क्या कि हमने ध्यान नहीं दिया था एसटी में, वो आकृति ही मिस हो गई थी, और अब जहां से मैंने ये सिलेक्ट किया क्वेश्चन वो खो गया, तो एक तरीके से ये समझ लीजिए क्वेश्चन में आपके 24 क्वेश्चन की एसटी थी, क्वेश्चन नंबर 19 किसी को ट्राई नहीं करना, ये छोड़ दीजिए। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 20 में करते हैं कि एक बल्ब 60 वाट के बल्ब को, क्वेश्चन है 60 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से जलाया जाता है, क्वेश्चन ये है अ बल्ब ऑफ 60 वाट इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट वोल्टेज, तो बहने वाली धारा का मान क्या होगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन इट, बहने वाली धारा का मान क्या होगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन इट, सेकंड इसके तीन चार ऑप्शन देखिए क्या थे, ऑप्शन इसके थे बेटा, इसके ऑप्शन आपके थे 11/3 एम्पियर, इसके ऑप्शन आपके थे 11/3 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन था इसका 3/11 एम्पियर, और इसका ऑप्शन था 3 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन था आपका 6 एम्पियर, ओके बेटा, तो ये आपका 11/3 एम्पियर, 3/11 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये ऑप्शन है। अब हम आपको सॉल्व करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूं, बल्ब है ये हो गया मेंस, तो कह रहा है इसको कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट से, बल्ब जो है वो 60 वाट का है, ये इसकी हो गई मैक्सिमम पावर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये इसको ही यूज कर रहा हो, अब आपको सीधे बोला 60 वाट के बल्ब को इससे जोड़ा गया है तो बहने वाली धारा का मान क्या, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जब मेंस दिया है इसकी रेटिंग वाला वोल्टेज नहीं दिया गया है तो एज्यूम करेंगे, और जब अगर मानते हैं तो फिर यही मानते हैं कि इतना ही होगा, 220 वोल्ट ही माना जाए, अपने मन से कोई डिफरेंट नहीं मान सकते, जब कोई मानना पड़े तो फिर वही मानोगे, ठीक। अब ऐसे केस में तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि ये अपने सेम वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, जितना इसको चाहिए उतना इसको मिल रहा है, तो इसकी पावर भी यही होगी, ऐसे में ये मैक्सिमम करंट यूज करेगा, मैक्सिमम करंट पी बराबर वी आई होता है, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है पी मैक्स बटे वी मैक्स, वी मैक्स माने जो इसकी रेटिंग होती है बस वही उठा लिया जाता है, 60/220, 3/11 एम्पियर इसका आंसर होगा, ओके।
ये इसका आंसर हो गया। लेकिन एक बार मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम आपको एक बार समझाने जा रहे हैं, कभी भी अगर ये डिफरेंट हो गए, रेटिंग वोल्टेज और ये वोल्टेज डिफरेंट हो गए, हो सकता है यहाँ 110 लिखा हो, ये 220 से कनेक्ट हो तो फ्यूज हो जाएगा, ये 220 हो, ये 110 हो जाए, मेंस अगर डिफरेंट हो जाएगा, आप तो कभी ये वाला फॉर्मूला रेटिंग वाला मत लिखना। फिर आपको आई बराबर हमेशा क्या लिखना होगा, पी बराबर आई बराबर होता है आपका वी अपॉन आई, या आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो वी अपॉन आई, वी ऑफ मेंस, मेन फॉर्मूला ये है, वी ऑफ मेंस लिया जाता है, और आर, आर होता है बल्ब का, बल्ब का आर हमेशा, बल्ब का आर कैसे निकाला जाता है, बल्ब का आर हमेशा रेटिंग वाले से, वी स्क्वायर बाय पी। अब ये चीज हमेशा रेटिंग से आएगी, वी भी रेटिंग का, पी भी रेटिंग का, आर हमेशा बल्ब का निकाला जाता है। लेकिन यहां मैक्सिमम की बात थी, दोनों सेम थे, मैक्सिमम डायरेक्ट निकल आता है, इसे निकाल दिया गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हमको लिखने पड़ रहे हैं, तो अगले टाइम से आप लोग पीडीएफ जरूर लिखे, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ तो हम क्वेश्चन नंबर लिख के बस सोल्यूशन कराएंगे, तो आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग सभी लोग हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड जरूर करिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहना, जब हाइड्रोजन परमाणु से, हाइड्रोजन एटम से कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी, हायर से लोअर में गिरता है, हाई टू लो, हाई टू लो में आता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, रिलीज होती है फोटोन के रूप में। अब आपसे ये कह रहा है कि जो रिलीज फोटोन है, अगर वो एक्स रे का फोटोन है तो विजिबल रे के फोटोन से ज्यादा ले रहा है, यहां एक्स रे फोटोन को कहा गया ज्यादा, विजिबल को कम कहा गया। फिर कह रहा है एक्स रे फोटोन कम होता है विजिबल से, या बराबर होता है, या कभी ज्यादा कभी कम होता है। तो मैं आपको एक बार समझाने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान दे, इसको ऑप्शन हटा करके मैं एक बार समझाने जा रहा हूं। गामा रे, गामा जानते हो, एक्स रे, ये शॉर्टो को नोट करेंगे सभी लोग, गामा रे, एक्स रे, यूवी, यूवी माने पना बैगनी, फिर आता है विजिबल, ब्रश, ब्रश के बाद आता है इंफ्रारेड, और फिर आता माइक्रो, और फिर आता है रेडियो। ये जो ऑर्डर है, इसमें ऊपर से अगर नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी घटेगी और लैम्डा बढ़ेगी। ओके, ऊपर से नीचे आने पे, और इसका उल्टा, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो एक तरीके से, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी, गामा की, एनर्जी मैक्सिमम किसकी, गामा की, लैम्डा मैक्सिमम किसकी, रेडियो की। ओके, तो यहां पर हम जो बात करें एनर्जी की बात, यहां फोटोन की ऊर्जा की बात हो रही, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती गामा की, और गामा नहीं है तो एक्स की, तो फिर पराबैंगनी की, और उसके बाद ब्रश की, तो ब्रश नीचे आए ना, तो ब्रश की कम, एक्सरे की ज्यादा, अपना एक्सरे की अधिक ऊर्जा रखते हैं। पहला ऑप्शन में एक्सरे फोटोन को ज्यादा कहा गया, तो पहला ऑप्शन होगा एक्सरे का फोटोन विजिबल रे के फोटोन से हमेशा हायर एनर्जी रखेगा। इसको हम एक बार आपको साफ साफ लिख देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका जो हमने सोल्यूशन बताया है इसको अच्छे से आपको नोट करना है। मैं एक बार इसका ऑर्डर लिख दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान रखेंगे कैसे करना है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर बेटा ये है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार इसका ऑर्डर लिख दे रहा हूं। यहां क्वेश्चन बहुत आते हैं, गामा रे, फिर आता है एक्स रे, फिर आता है यूवी, यूवी माने पराबैंगनी, जिनको दिक्कत हो हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, पराबैंगनी के बाद में आएगा दृश्य विजिबल, विजिबल के बाद आएगा औरक इंफ्रारेड, औरक, औरक के बाद आएगा आपका माइक्रो, माइक्रो के बाद आएगा रेडियो। तो ये ऊपर से नीचे आने पर, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी गामा की और मिनिमम होगी रेडियो की, एनर्जी ऊर्जा भी घटेगी, मतलब अगर मैक्सिमम की बात की जाए एनर्जी मैक्सिमम होगी गामा की और मिनिमम होगी रेडियो की, और जो लैम्डा होती है वेवलेंथ वो जो होगी वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आने पर, ये रीजन होता है, इसको नोट करेंगे। तो लैम्डा की बात करें, अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो किसकी होगी, मिनिमम किसकी होगी, मैक्सिमम होगी रेडियो की, मिनिमम होगी गामा की, इसको नोट कर लेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो इसको जरूर नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे यही है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करें हाइड्रोजन का आयनन विभव, आयनाइजिंग पोटेंशियल। आयनाइजिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन की आयनन विभव जो आयनन ऊर्जा होती है 13.6 एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आयनन ऊर्जा का। हाइड्रोजन की आयनन विभव, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 ले लेंगे, और आयनन ऊर्जा का मतलब ही होता है जब आयनन हो तो एफ बराबर 1 के लिए ही होता है। आयनन मतलब 1 और हाइड्रोजन मतलब जेड बराबर 1, दोनों के लिए 1-1 रख दोगे तो फॉर्मूले में माइनस रहता है, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा की बात है। पोटेंशियल की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन हटा तो वोल्ट बचा, अगर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हटा के वोल्ट बचा 13.6 वोल्ट, इसका हाइड्रोजन का आयनन विभव। हाइड्रोजन का आयनन विभव कितना होगा? 13.6 वोल्ट। नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर बराबर एन बराबर 1, ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी लेवल। मिनिमम एनर्जी लेवल का मतलब होता है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के लिए एन का मान 1 हो गया। और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बेटा एनएच अपॉन 2π फॉर्मूला चलता है, जब मिनिमम की बात कर रहे हैं एन का मान 1 रखना है तो सीधे आंसर है एच अपॉन 2π, इसका आंसर होगा एच अपॉन 2π। ये दो क्वेश्चन थियोरेटिकल टेस्ट में, इनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, बहुत जल्दी करना है। ओके बेटा, बहुत तेजी में सॉल्व किया, अब हम आते हैं अभी दो क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध माने होता है रो, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टिविटी। तो आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, कुछ लोग फॉर्मूला देख के वो लोग ये सोच लेते हैं कि रो बराबर हो गया आर ए बाई एल, तो बना देते हैं दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि गलत। रो एक ऐसी चीज है ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, ये केवल ओनली वर्ड का मतलब है, ओनली नेचर ऑफ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल, केवल का मतलब बाकी चीजों से इंडिपेंडेंट है। तो रो जो है एल पर भी डिपेंड नहीं करता, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। चौथा नंबर आंसर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात, अगर रेजिस्टेंस होता केवल, विशिष्ट प्रतिरोध न होकर केवल प्रतिरोध होता तो लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड करता, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध न एरिया पे न लेंथ पर, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर चांदी का 5 मीटर वायर है, ये चांदी का 10 मीटर वायर है, चांदी वर्ल्ड है, दोनों वायर चांदी के हैं, तो रो सेम ही रहेगा, रो कभी बदल नहीं सकता है। ओके, सेम मटेरियल के लिए रो कभी बदलता नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी एसटी का, अनुमी प्रतिरोध। अनुमी का मतलब विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, डोंट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते, लेकिन प्रतिरोध वर्ड है तो धारा का विरोध करते हैं, धारा का विरोध करते हैं, ये है। अपोज ऑफ करेंट तो करेंगे क्योंकि उनका नाम ही प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध होता है वो अपोज ऑफ करेंट करेगा, लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो वायर वगैरह जितने भी है, चाहे टंगस्टन का तार, वायर वगैरह जितने होते हैं वो सब तो फॉलो करते हैं, वायर में ओम्स लॉ लगेगा लेकिन वाल्व में नहीं लगेगा। डायोड वाल्व आपका आंसर होगा इसका, डायोड वाल्व। बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि डायोड वाल्व ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन अपोज ऑफ करंट ये भी करता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारी एसटी थी, एसटी नंबर 002 था, एसटी अपलोड होंगी बेटा, तो एसटी नंबर पे मत जाइए कि सर आपने 2 से कैसे स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। हम एसटी का एक्चुअल में जो वर्जन है, जो फोटो डाल लें वो नंबर डाल लें, आप अपने अकॉर्डिंग 1, 2, 3 काउंट करेंगे। तो हम एक्चुअल में जब कन्वर्टेड पीडीएफ हमारी, क्योंकि उसमें नेम हमको रीनेम करना पड़ेगा अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, तो एसटी आपकी 2 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, सीधे 34 भी आ सकती है, उससे मतलब नहीं, आपको अपनी 1, 2, 3 एसटी काउंट करनी होगी। ओके, हम आपको, क्योंकि वो पहले से कन्वर्टेड पीडीएफ में होंगी तो नेम वगैरह चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम आपको सीधे वही लिखेंगे, स्पीड टेस्ट 2 आया है हम लिखेंगे स्पीड टेस्ट 34 सॉल्व करिए, तो इस तरीके से आ सकता है। ओके, और ये स्पीड टेस्ट वर्जन, स्पीड टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी जो हमने स्टार्ट किया आपको एयरफोर्स पेपर के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में धीरे धीरे आपको ढील मिलती जा रही है, धीरे धीरे खुलने के आसार लग रहे हैं हम लोग को, अब पेपर की डेट भी आ सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, इसमें मैंने आपको ये स्पीड टेस्ट सीरीज चालू करी है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना चाहते हैं। तो ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को भेजना है, सीरीज कैसी लगी, एसटी कैसी लगी क्वेश्चंस। और एक बात, आपको थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों में आपको पारंगत कर दूंगा, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम, बस क्वेश्चनों को नोट करके दो, सॉल्यूशन साथ में रखिएगा, मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने अपने व्यू जरूर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिए, अगर एसटी वर्जन अच्छा लग रहा है आपको, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो लाइक शेयर जरूर करिए, एटलीस्ट 10 शेयर जरूर करने हैं आपको,
ये आपको मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस तरीके से हमारा परिवार बड़ा होगा तो हम उतनी जल्दी आपको अच्छी तरीके से सब चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो आपने व्यूज वगैरह जरूर भेजिएगा, लाइक शेयर करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी अगले अगले टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।